क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, बहुत ही दुख के साथ और बहुत ही गुस्से के साथ आज विद्यार्थी परिषद को ये शब्द प्रदर्शन और अपना धरना करना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि पिछले 11 सालों से चाहे प्रदेश की भाजपा की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे यहाँ के स्थानीय नेता हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर जमकर राजनीति की जाती है और जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। लेकिन धरातल की सच्चाई आप देखिए, धरातल के अंदर वहाँ छात्रों को स्थायी परिसर तो बड़ा दूर, मूलभूत सुविधाएं भी अभी तक मिल नहीं पाई है। बहुत सारे नए नए कोर्सेस चलाने का काम हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर जारी हो चुका है, लेकिन कोर्सेज के नाम पर हम देखें लगभग 6 साइंस के कोर्स चलते हैं और 2 ही साइंस के कोर्सेज के अंदर लैब की सुविधा है। कंप्यूटर से संबंधित कोर्स चलाए जाते हैं लेकिन कंप्यूटर लैब की सुविधा नहीं है। आपके यहाँ पत्रकारिता और फोटोग्राफी का कोर्स चलाया जाता है लेकिन एक कैमरा नहीं है। इस प्रकार की मूलभूत सुविधाओं से छात्रों को वंचित रखा गया और इस विश्वविद्यालय के नाम पर जमकर राजनीति की गई। और छात्रों ने यदि अपने अधिकारों की मांग की तो हम देखते हैं कि कुलपति और रजिस्ट्रार के द्वारा किस प्रकार छात्रों की आवाज़ को दबाते हुए झूठे केस उनके ऊपर लगाए गए। उन छात्रों का केवल इतना कसूर था कि उन्होंने अपनी मूलभूत मांगों को लेकर अपनी आवाज़ उठाई, उन्होंने हॉस्टल सुविधा की मांग रखी, उन्होंने मूलभूत सुविधाओं की मांग रखी और इस कसूर के लिए उनके ऊपर झूठे केस लगाए गए। विद्यार्थी परिषद ऐसे अधिकारियों की कड़ी निंदा करती है, चाहे वो कुलपति महोदय हो, चाहे वो यहाँ के अयोग्य रजिस्ट्रार की कुर्सी चलाने वाला व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी देती है कि आने वाले समय में हमारा ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा और छात्रों के साथ हो रहे अन्याय को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशाल जी, निष्कर्ष निकलता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि लगभग देखा जाए लगभग 10 से 12 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक ना प्रशासन आपसे बात कर रहा है, ना सरकार बात कर रही है, ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन। देखिए, प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर उजागर होती है। 12 दिन हो गए, अगर हमने देहरा कैंपस के अंदर ये मांग रखी कि आपका रजिस्ट्रार और कुलपति पूरे तीनों कैंपस का एक ही है तो वहाँ पर भी छात्र पढ़ते हैं, उनकी समस्याओं को भी सुनने आइए। लेकिन बहुत शर्म की बात है, ना रजिस्ट्रार ना कुलपति किसी के पास वहाँ छात्रों की समस्याओं को सुनने का समय नहीं था। और जब छात्रों ने मजबूरी में आंदोलन किया कि हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही है तो अशांति का हवाला देकर 2 तारीख तक कैंपस बंद कर दिया। जब यहाँ पर छात्र मिलने आए तो वो आपने भी देखा कि इन अधिकारियों का कितना एटीट्यूड, कितना नकारात्मक रवैया छात्रों के लिए रहा, वो सब दृश्य आपने देखा। तो बहुत शर्म की बात है, 12 दिन हो गए हमारे आंदोलन को, ना वो स्थानीय नेता जिन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकी, ना वो अधिकारी जिनकी जिम्मेवारी बनती थी छात्रों की समस्याओं का समाधान करना, कोई भी अधिकारी इन छात्रों का हाल जानने नहीं आया। आज मजबूरी के अंदर ये सब प्रदर्शन हो रहा है, ये वो छात्र है जिनके ऊपर झूठे केस लगाए गए। तो बहुत दुख की बात है प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए और बहुत शर्म की बात है उन नेताओं के लिए जो इसके नाम पर राजनीति करते हैं। अभी भी सरकार प्रशासन नहीं सुनती है तो हमारा सीधा सा स्टैंड है, छात्रों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय को स्थायी परिसर मिलना चाहिए, ये हमारा क्लियर स्टैंड है। और जब तक छात्रों को हॉस्टल सुविधा, बस सुविधा, मूलभूत सुविधाएं और स्थायी परिसर नहीं मिलता तब तक विद्यार्थी परिषद का ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। और आज अगर हम इतने हैं तो आगे आने वाले समय में हमारा ये स्वरूप और बड़ा होगा और प्रशासन हमारे आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहे, ये चेतावनी हम यहाँ अभी आंदोलन का अगला कदम आने वाले समय में आपके बीच रखा जाएगा। लेकिन अभी तक की जो हमारी रणनीति थी वो आपके सामने है, ये सब प्रदर्शन हमारे आज आंदोलन का हिस्सा है। अरे नष्टी हम आपकी, नहीं किसी के शाप की।